हमारा विषय है ईश्वर के सच्चे स्वरूप को कैसे जाने, क्योंकि ऋषि दयानंद ने आर्य समाज का तीसरा नियम लिखते हुए कहा, आर्यों का कार्य बताया कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना। तो ये आर्य समाज की टीम आपको सुनाने आई है। एक नगर के बाहर एक कुटीर में एक संत जी तपस्या करते थे। यदा कदा आते जाते लोगों ने उन संत जी को तपस्या करते हुए देखा। अचानक उस कुटिया में, उस मंदिर में एक बिल्ली आने लगी और उनकी तपस्या में, उनकी साधना में बाधा उत्पन्न करने लगी। उन संत जी ने उस बिल्ली को पकड़ करके बांध दिया। कुछ समय ऐसे ही साधना करते रहे। लोग आते थे, लोग देखा करते थे कि संत जी साधना कर रहे हैं, बिल्ली उस मंदिर के पास में बंधी हुई है। एक समय आया, ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार संत जी दुनिया को छोड़ करके चले गए। लोगों ने देखा कि संत जी तपस्या करते थे, बिल्ली पास में बनी थी, हो न हो ये साधना शक्ति संत जी में नहीं बिल्ली में थी। पहले जो लोग संत जी को पूजा करते थे, बाद में संत जी के जाने के बाद अब वो बिल्ली को पूजने लगे। यही क्रम चलता रहा। भारतीय बिल्ली थी, वो भी दूध मेवा मिष्ठान खाने लगी। एक समय आया, वो बिल्ली भी चली गई। अब खूंटा रह गया। जिस खूंटे के पास में बिल्ली बंधी, जो भक्तगण थे, इन्होंने सोचा न तो शक्ति संत जी में थी न बिल्ली में थी, ये शक्ति इस खूंटे में है और आज तक लोग खूंटे को पूज रहे हैं। यही हमारे समाज में हो रहा है। अच्छा, आप बताएं, आपके जितने भी धर्म शास्त्र है, ग्रंथ है, वेद है, किस में लिखे हुए हैं, किस भाषा में है? अब जिस भाषा में हमारे धर्म ग्रंथ है वो भाषा में आती नहीं, और जिसने जैसा समझा, किसी ने उसे समझा कि इसकी भागवत करनी चाहिए तो उसे सर पर रख लिया, किसी ने समझा इन ग्रंथों का अखंड पाठ करना चाहिए तो वो अखंड पाठ करने लगे, किसी ने समझ लिया कि इनका अनुष्ठान करना चाहिए तो लोग अनुष्ठान करने लगे। तो उन ग्रंथों की जैसे उस साधना के प्रकरण में कोई गहराई तक नहीं गया, ऊपर से थोड़ा थोड़ा देखा और उस खूटे जड़ को पूजने लगे, ऐसे ही इन धर्म शास्त्र महापुरुष और वेदों के साथ हुआ। लोगों ने इन्हें गहराई से नहीं जाना, ऊपर से देखा, जिसको जितना समझ में आया उतना उतना अपना लिया। घर में बुजुर्ग माताएं होती हैं, अपनी बहू को, अपनी बेटी को, बहू को सलाह देती हैं, घर में झाड़ू, सीख वाली झाड़ू को खड़ा मत रखो। एक बार बहू से कहा, सीख वाली झाड़ू को खड़ा मत रखो, बहू ने नहीं सुना और ये हजारों वर्षों से होता रहा। दोबारा सासू मां ने कहा कि अगर घर में सीख वाली झाड़ू खड़ी रखेंगे तो पाप लगेगा। क्या कह दिया? कहते हैं ना, घर में झाड़ू को खड़ा करके रखेंगे पाप लगेगा। अब आप ये बताएं, जो दुकान पे बेचता है उसके या दुकान पे कैसी झाड़ू रखी रहती है? तो पाप सबसे ज्यादा किसे लगना चाहिए? जहां से लेकर के आए।
केवल घर में जो बुजुर्ग माता पिता है उनका उद्देश्य है कि घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं अगर वो आसपास में जाएंगे, झाड़ू किसी की आंख में लग जाएगी, किसी बच्चे को कोई समस्या होती है, बहू का घर में बुजुर्ग लोगों का इतना ही उद्देश्य है कि ये किसी के झाड़ू की किसी के लग न जाए। लेकिन हमने उससे किससे जोड़ दिया, पाप और पुण्य से। इसका पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं है। घर में हमारे बुजुर्गों ने, ऋषियों ने बताया कि प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। प्रकृति की पूजा करेंगे तो शुद्ध वातावरण मिलेगा और शुद्ध वातावरण मिलेगा तो जीवन अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और प्रकृति में भी ऋषियों ने बताया कि जो पीपल का वृक्ष है 24 घंटे जो ऑक्सीजन देता है उसकी पूजा करनी है। पूजा से अर्थ था उन वृक्षों को लगाना है, लगे हुए को उन्हें पानी देना है, उनको संरक्षित रखना है। लेकिन हमने क्या किया, पूजा करने लगे और कलावा और दीपक जला करके उन्हें बांधने लगे। आप देखते होंगे चौराहे पर जगह जगह। पूजा का अर्थ था इनके इनका संरक्षण करना है, प्रकृति हमें जीवन देगी और ये संसार में सुख और शांति प्राप्त होगी। ऋषियों ने बताया कि नदियों का संरक्षण करना है, क्योंकि पहले के समय में जो पानी का पीने का जो व्यवस्थाएं होती थी वो नदी या कुएं से हुआ करती थी। तो बताया कि इन नदियों की पूजा करनी है और एक वाक्य दिया, गंगा तव दर्शनात मुक्ति, गंगा तुम्हारे दर्शन से मुक्ति हो जाएगी। तो जो गंगा के किनारे रह रहे ये सब सशरीर स्वर्ग चले जाएंगे। अगर गंगा के दर्शन करने से तो जो गंगा के पास में है जितने नीचे उतने स्वर्ग में। इसका अर्थ था कि इन नदियों से जल जल ही जीवन है, इन नदियों का जो जल के स्रोत थे उनका संरक्षण करना है। आगे जो बताया कि तुलसी की पूजा करनी है। आज जब आपको बुखार आता है तो सबसे पहले कौन सी टेबलेट लेते हैं, पैरासीटामोल सामान्य तौर पर यही ली जाती है। आयुर्वेद में जो आपकी पैरासीटामोल काम करती है बुखार के लिए, वही आयुर्वेद में तुलसी का कार्य है। जब आपको बुखार आए तब आप तुलसी का काढ़ा पी ले तो आपके जो पैरासीटामोल है वही काम तुलसी के काढ़े का है। तो पूर्वजों ने बताया कि इस तुलसी की पूजा करनी है, पूजा से इनके वृक्षों को लगाना है। हमने क्या किया, हम लोटा चढ़ाने लगे, पूजा करने लगे, काढ़ा पीना बंद कर दिया। और हमने एक मंत्र और अपना लिया। इन मंत्रों के, इन उद्देश्यों के, इनके पीछे भावनाएं क्या थी, हमने उन भावनाओं को नहीं जाना। एक मंत्र बता दिया, त्रयम्बकम् यजामहे, इस मंत्र का पाठ करें। और कब करें, जब आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार हो और जब ये लगे कि इस व्यक्ति का बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, तब क्या करें। तब हमारे पौराणिक पंडितों ने बताया कि इस महामृत्युंजय, इसका नाम ही रख दिया महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अब आप ये बताएं, कोई बहुत ज्यादा बीमार है और जिसके बचने की संभावना बहुत कम है, वो मंत्र पाठ करेगा, नहीं करेगा। इस मंत्र का इतना सुंदर भावार्थ था, त्रयम्बकम् यजामहे, त्रिणी अम्मानी कर्माणी यस्य स, तीन कर्म है जिसके, तीन कर्म किसके हैं, ईश्वर के। तीन कर्म कौन से बताए, सृष्टि की उत्पत्ति करना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का प्रलय संहार करना,
तीन कर्म जिसके हैं ऐसे ईश्वर की उपासना करना, और उपासना भी कैसे करना, यजामहे, और यजामहे कैसा है, सुगंधिम पुष्टि। जिसके तीन कर्म हैं ऐसे ईश्वर की उपासना करना, और उपासना भी किससे बताई, यज्ञ से। यजामहे सुगंधिम, जो सुगंधित पदार्थ से युक्त जो सामग्री है उसके द्वारा उस परमपिता परमेश्वर की उपासना करना। और समाज में कहां से धारणाएं चली, इस जब यह देश आजाद हुआ तब इस देश की जो जनसंख्या थी लगभग 30 करोड़, कितनी थी जी, और इन पौराणिकों के पास देवता कितने थे, 33 करोड़। मतलब हमारे पास 3 करोड़ देवता अतिरिक्त थे। हमें यही बताया जाता ना कि देवता 33 करोड़ है। पहले इन महानुभावों से यह पूछा जाए कि इतने गिने किसने, और गिने तो संख्या कम थी, देवता ज्यादा थे। और जब इतने, आज आज आपकी संख्या कितनी है, लगभग 120 करोड़, अनुमानित इतनी है, और अभी आंकड़े नहीं आए, अनुमान लगाया जाता है 130 मान लीजिए। अब देखा जाए तो एक देवता के हिस्से में 4 व्यक्ति आते हैं, इनके 11 ज्योतिर्लिंग हैं, हर जगह मंदिर बने हुए हैं, और फिर भी क्या कह रहे हैं जी, सनातन धर्म खतरे में है। जब तक वेद नहीं पढ़ोगे, जब तक योगीराज कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने पूर्वजों की संस्कृति को नहीं अपनाओगे, तब तक एक नहीं आप 200 करोड़ हो जाना, तब भी खतरे में रहोगे। क्योंकि जहां वेद नहीं है वहां वहां वेदना है। हमने वेद को जाने नहीं, वेद शब्द 4 धातुओं से बनता है, वेद जाने, पहले वेद को जानो, दूसरा वेद का अर्थ है विद्धि लावे, उस जो ज्ञान को जाना उसका लाभ लो, और तीसरा विद विचारणे, जो जाना है उसका लाभ ले रहे फिर उस पर विचार करें, और चौथा बता दिया विद सत्तायाम, उसकी समाज में सत्ता स्थापित करें, लोगों तक पहुंचाएं। अब थोड़े दिन पहले की बात है, लगभग 1 महीना हुआ होगा, शाम को आप देखते होंगे समाचारों में, निजी जो टीवी चैनल है उनमें डिबेट होती है। एक मौलाना वेद लेकर के कह रहा है कि वेद में हिजाब का वर्णन है, ऋग्वेद हाथ में है, और बताया जा रहा है कि इस ऋग्वेद में हिजाब का विधान है। अब आप बताएं, वेद हाथ में है और वो प्रमाण दे रहा है कि वेद में हिजाब है। अब जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जो पक्ष रखने वाले हैं, एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने वेद पढ़े ही, जब पढ़े नहीं है तो आप किस बात पर प्रमाण देंगे, लोग मिलावट कर लेंगे। जब महाभारत लिखा गया था तब महाभारत का नाम था जय। श्लोक से महर्षि वेद व्यास ने जब महाभारत लिखा तब महाभारत का नाम था जय, और महाभारत में श्लोकों की संख्या थी 8000। फिर उसमें मिलावट हुई, लोगों ने उसका विस्तार किया, महाभारत का नाम पड़ा भारत, श्लोक संख्या हुई 24000, और इसमें मिलावट हुई, जिसके मन में जो आया वो लिखता रहा, और आज इसका नाम है महाभारत, श्लोकों की संख्या 1,00,000। महर्षि वेदव्यास ने कितने लिखे थे, 8000। ये 92,000 श्लोक कहां से आए, किसी के पास जवाब नहीं। अपने जिस व्यक्ति ने, जिस महापुरुष ने गीता जैसा सुंदर उपदेश दिया हो, और हमने उसके चरित्र का क्या वर्णन किया, हमारे पास जवाब नहीं है।
जो हमने अपने धर्म ग्रंथों में जो मिलावट की, जो हमने जिसके मन में जैसा आया उसने अपने अनुसार व्याख्या की, और आज जब कोई बात आती है तो हमारे पास अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर, अपने सनातनीय परंपराओं में जो हमारे जिन्हें हम भगवान कहते हैं उन्हें हमें सिद्ध करने के, उनके चरित्र को बताने के लिए पर्याप्त पक्ष नहीं है। ऋषि दयानंद ने बताया कि अगर ईश्वर की उपासना करना चाहते हो, अगर पूर्वजों की धरोहर को सुरक्षित रखना चाहते हो, ऋषि दयानंद ने किसी मत संप्रदाय की स्थापना नहीं की। जो सृष्टि के आदि से लेकर के अभी तक जो परंपरा चल रही थी उसी का केवल संरक्षण किया है, अपना नया कुछ नहीं दिया। स्वामी जी ने एक जगह तो इतनी सुंदर बात कह दी कि अगर मेरी बात भी आपको वेद विरुद्ध लगे तो उस बात को स्वीकार मत करना। इसलिए स्वामी जी ने क्या बताया कि ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगीराज कृष्ण, जिन वेदों को मान करके सृष्टि में अपनी दिनचर्या, अपनी व्यवस्थाएं, अपने ईश्वर सिद्धि के जो लक्ष्य प्राप्त किए, उन वेदों को मान करके अपनी जीवन की यात्रा को अग्रसर कर सके। हम सब संसार के प्राणी जितने हैं, हमें कहा जाता है 84 लाख योनियां हैं। अगर दर्शन की भाषा में जाए तो 4 प्रकार की योनियां हैं। उन योनियों के अंदर, जीवात्माओं के अंदर सबसे श्रेष्ठ योनि कौन सी है? मनुष्य योनि। और अब इस मनुष्य का कार्य क्या है? हम सब यात्रा पर निकले हुए हैं। यात्रा क्या है? 1,96,00,000,000 वर्षों से जब से इस सृष्टि की संरचना हुई है तब से लेकर के आज तक हम जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जन्म लेते हैं फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ये यात्रा हमारी निरंतर चल रही है। अब आप ये बताएं, समाज के अंदर कोई एक व्यक्ति लगातार यात्रा करता रहे, आप देखते कोई एक बस से उतर करके दूसरे बस में बैठ जाए, दूसरे से तीसरी में बैठ जाए, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे लग रहा है ये मस्तिष्क से संतुलित नहीं है, यही कहेंगे ना। और हम क्या कर रहे हैं इतने वर्षों से? हम भी तो यही कर रहे हैं, क्योंकि हम सही को मानना नहीं चाहते। हमें गुरु बनाने की परंपरा हमारे डीएनए में है, जब तक गुरु नहीं बनेगा तब तक संतुष्टि नहीं होती। और गुरु का अर्थ क्या है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो क्या कहलाता है? गुरु कहलाता है। अब ये कितने गुरु अंधकार से ईश्वर की ओर ले जाए, प्रकाश का अर्थ है ईश्वर। ऋषि दयानंद ने कहा कि अगर ईश्वर से मिलना है तो सबसे उत्तम मार्ग बताया यज्ञ हवन। ऋषि दयानंद ने बताया कि 33 प्रकार के देवता हैं। हम यज्ञ में यज्ञ और हवन हम किस लिए करते हैं जी? कोई बताया आप? वातावरण की शुद्धि के लिए। ऋषि दयानंद लिखते हैं, संस्कार विधि का विधान करते हुए प्रत्येक यजमान को प्रातः और सायं, स्वामी जी के शब्द बोल रहा हूं, प्रत्येक यजमान को प्रातः और सायं यज्ञ के द्वारा ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। अब जो 1,96,00,000,000 वर्ष से यह यात्रा का जीवात्मा कर रहा है, यह शरीर को पाता है, छोड़ देता है, फिर प्राप्त करता है, फिर छोड़ देता है। अब ये जीवात्मा अल्पज है, अभी इसे बहुत कुछ नहीं पता। यह वेद की शरण में गया और वेद की शरण में जाकर के आचमन के मंत्रों में इसने बहुत सुंदर प्रार्थना की।
आचमन के मंत्रों में प्रार्थना करते हुए बोला, हम आचमन करते तो किन दो उंगलियों से स्पर्श करते हैं? जल को लेकर के स्पर्श करते हैं। आप देखेंगे ये पांचों उंगलियों में सबसे बड़ी उंगली कौन सी है? मध्यमा। और दूसरी उंगली कौन सी है? अनामिका, जो मध्यमा के पास में है। इस हाथ के अंदर पांचों उंगलियों में ये दो उंगली, एक परमात्मा और दूसरी जीवात्मा, ये परमात्मा की प्रतीक है, दूसरी जीवात्मा की। जब हम संसार में आए थे हमारा कोई नाम नहीं था, हमारे जन्म के बाद हमारा नाम रखा गया। अब वेद मंत्र में प्रार्थना कही कि ईश्वर इस जीवात्मा की यात्रा है संसार में, इसे आप अपने साथ मिला लीजिए। अगर यह संसार में चली गई, प्रकृति के अंदर चली गई, तो यहां क्षणिक सुख तो है, अभी हम सुखी है, एक घंटे बाद हमें फिर दुख होने लगता है, थोड़ी देर बाद हम उस दुख से बाहर आते हैं फिर सुख, तो यह सुख दुख क्षणिक चलता रहता है। हमने मंत्र में प्रार्थना की ईश्वर से कि इस मध्यमा को, मध्यमा के साथ इस अनामिका को आप ले लीजिए, हे ईश्वर इस जीवात्मा को अपने साथ मिला लीजिए। ईश्वर कैसा है? नित्य है। जीवात्मा कैसा है? नित्य है। ईश्वर कैसा है? सर्वज्ञ है। जीवात्मा कैसा है? अल्पज्ञ है। जो इस जीवात्मा के सबसे ज्यादा गुण कर्म स्वभाव केवल परमात्मा से मिलते हैं, इसलिए अगर परमात्मा को छोड़ करके जीवात्मा या कोई व्यक्ति संसार के कार्यों में अगर प्रयास करता है तो उसका बहुत ज्यादा विशेष लाभ नहीं मिलेगा। अब ये साधक यज्ञ में बैठा हुआ है, मंदिर में बैठा है, अपने आराध्य जिन भगवान को स्वीकार करता है उनके पास बैठा हुआ है और प्रार्थना कर रहा है कि भगवान 33 प्रकार के देवता हैं, आप ये बता दीजिए आहुति देनी किसे है। प्रथम मंत्र है विश्वानि देव। इस मंत्र में बहुत सुंदर एक दृष्टांत आया। एक ऐसे ही सभा चल रही थी, सभा के कोने पर किसी सज्जन ने एक घड़ा ला करके रख दिया। नीचे एक व्यक्ति बैठे हुए थे, सोच रहे थे ये घड़ा कितना सौभाग्यशाली है कि इस घड़े से विद्वान लोग जल लेंगे, लेकिन जो घड़े के ऊपर कटोरी रखी थी उस कटोरी ने घड़े से पूछा कि घड़े से पूछा कि आपके पास जो भी आता है वो भर करके जाता, कोई खाली नहीं जाता, घड़े से कोई भी कुछ आता है कुछ ना कुछ जल को लेके जाता है, लेकिन मैं घड़े के अंदर जो जल है उसकी रक्षा करती हूं, लेकिन मैं कैसी हूं? खाली हूं। तो घड़े ने बहुत सुंदर जो जवाब दिया वो संभवतः हम सबका, जो ईश्वर की उपासना करते हैं, जो मंदिर जाते हैं, जो यज्ञ करते हैं, जो भगवान के आगे बैठते हैं, उन सबका वही जवाब है। घड़े ने कहा कि मेरे पास जो भी आता है वो आकर के पहले घड़े में समर्पण करता है, उसके बाद भर करके जाता है। जो भगवान के दरबार में जो यज्ञ के अंदर आएगा और अगर समर्पण नहीं किया, अहंकार से आया, तो वो भर करके नहीं जाएगा। घर से जब जाए, मंदिर में जाए, सत्संग में जाए, यज्ञ में जाए, तो अहंकार को छोड़ करके, अपने स्वाभिमान को छोड़ करके ईश्वर से मिलने के लिए उस परमपिता परमेश्वर के आगे समर्पण की भावना से जाएं। जब हम समर्पण से जाएंगे तो हमें जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। यज्ञ के अंदर, पूजा के अंदर, मंदिर के अंदर ये साधक बैठा हुआ उपासना कर रहा है, हे भगवान आप मुझे ये बता दीजिए 33 प्रकार के देवता हैं, 33 देवता हैं, आप ये बता दो मैं आहुति दूं किसे।
मैं अल्पज्ञ हूं, मुझे नहीं पता आहुति किसे देनी है। और बहुत सुंदर एक मंत्र में प्रार्थना करता है, बार बार एक शब्द को बोलता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। मंत्र में प्रार्थना कर रहा है याचक, साधक ईश्वर आप मुझे बता दीजिए किस देवता को आहुति देनी है, किसकी पूजा करनी है। दूसरे मंत्र में बोला है, हिरण्यगर्भ वेद ने आज्ञा दी कि जो संपूर्ण हिरण्य को, हिरण्य से अर्थ है इस भूमंडल को धारण किए हुए है। पहले मंत्र, दूसरे मंत्र में पूछा कस्मै देवाय, ईश्वर ने अपना स्वरूप बता दिया, ऐसे ईश्वर की पूजा करनी है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। फिर ईश्वर स्तुति के तीसरे मंत्र में पहुंचे, फिर इस याचक ने बोला भगवत अभी समझ नहीं आया, फिर एक पद मंत्र बदला, फिर एक पद बोल दिया कस्मै देवाय, चार बार आता है, चार बार कस्मै देवाय आता है। फिर पूछा क्या है, ईश्वर ने फिर बताया यह आत्मदा, जो आत्मा को बल देता है, जो तुम्हारे अंदर शक्ति प्रदान करता है, ऐसे भगवान की पूजा करनी है। तीसरे में बता दिया, चौथे में यह प्राण, तो जो प्राण जो तुम्हें श्वास देता है, जो श्वास देता है ऐसे ईश्वर की उपासना करनी है। पांचवें मंत्र में बता दिया ये न देव, जिसने पूरे पृथ्वी को और देवलोक को, नक्षत्रों को, तारों को धारण किया हुआ है, ऐसे ईश्वर की उपासना करनी है। और छठवें में बता दिया प्रजापति, जो सभी प्रजाओं का पालन करता है, ऐसे ईश्वर की उपासना करनी है। और सातवें मंत्र में बताया ईश्वर का स्वरूप क्या है, मंदिर के अंदर जाकर के कौन से भगवान की उपासना करनी है। सातवां मंत्र कहता है सनो बंधु, जो ईश्वर तेरा बंधु के समान है, तेरा सखा है, तेरे साथ जो रहता है। और अंत में बता दिया वेद ने आज्ञा दी कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, बता दिया अग्ने नय सुपथा, कि जो अग्नि स्वरूप है, जिसे हवन में बैठ करके अग्नि देवता को साक्षी मानते हुए यज्ञ में आहुति देना, और क्या कह दिया अग्नि दूतम वृणी महे, ये अग्नि दूत के समान है, ये यहां से आहुति ले जाकर के देवताओं तक पहुंचाएगा। हे याचक, हे साधक, इस अग्नि स्वरूप देवता की उपासना करना। अब इतना तक तो समझ में आया कि अग्नि की उपासना करनी है। इस याचक के मन में फिर से प्रश्न हुआ कि भगवान मैं आपका साक्षीकरण तो करना चाहता हूं, आपको जानना तो चाहता हूं, लेकिन मंदिर में, संध्या हवन में, ईश्वर की उपासना में, जप में, सब किसके दर्शन करना चाहते, किसको स्मरण करते हैं, बताओ जी तेज बोलो, ईश्वर को। आप जिसे रोज याद करते हैं, अगर वो आपको एक दिन याद कर ले तो क्यों जी, रोज किसे याद कर रहे हैं, ईश्वर को। और जिसे रोज याद करते वो एक दिन तो याद करेगा ना आपको, और अगर हमें किसी को याद कर ले तो लेने के देने पड़ जाते। तो एक पंक्ति किसी कवि ने लिखी, चलो रे मन कर लो चलने की तैयारी। हम ईश्वर को पाना तो चाहते हैं, लेकिन इस संसार को भी छोड़ना नहीं चाहते। आप छोड़े या ना छोड़े, आप जाना चाहे या ना जाना चाहे, आप समाज के अंदर विद्या में, पद में, आयु में, धन में छोटे और बड़े हो सकते हैं, लेकिन अंतिम गति क्या है, वेद भगवान क्या कह रहे, कहां सब जाते हैं, शमशान। शमशान का अर्थ क्या है, समान शान है जिनकी, उनका नाम क्या है, शमशान। ईश्वर कह रहा है कि अगर आप मेरी उपासना करोगे, तो उससे ऋषि दयानंद लिखते हैं कि ईश्वर की उपासना से इतना फल है
कि जो जीवन में कष्ट आएंगे, स्वामी जी ने लिखा कि बड़ी से बड़ी समस्याएं भी, और उदाहरण दिया कि पहाड़ जैसी अगर जीवन में समस्या है वो राई के दाने के बराबर, जैसे शरीर को भोजन आवश्यक है ऐसे ही आत्मिक बल के लिए प्रातः और सायं ईश्वर का भजन आवश्यक है। अब भजन करें कैसे, हवन रोज नहीं कर सकते तो क्या करें, एक संकल्प लेकर के जाएं। अभी वेद मंत्र ने बताया ईश्वर का स्वरूप कैसा है, अग्नि स्वरूप, तो प्रातः और सायं घर में दीपक प्रज्वलित करें, और अगर बहुत ज्यादा मंत्र याद नहीं है तो गायत्री मंत्र को सीख लें, और एक त्रयंबकम का अर्थ क्या, त्रिणी यम्मानी कर्माणी यस्य सा त्रयंबकम, तीन कर्म है जिसके, ऐसे देवता स्वरूप परमात्मा की उपासना करना। और इसमें प्रार्थना कैसी करी, कहे ईश्वर जैसे खरबूजा बेल से पक करके अलग हो जाता है, ऐसे ही इस संसार से हम लोग अपनी पूर्ण आयु को, वेदों में 100 वर्ष आयु बताई गई, 100 वर्ष आयु की परमपिता परमेश्वर से याचना करते हुए साधक कहता है कि ईश्वर मेरे घर में कोई अनिष्ट चिंतन ना हो, अनिष्ट कोई घटना ना हो, इसलिए बैठ करके प्रातः और सायं इन दो मंत्रों का उच्चारण करना। अगर इतना भी न कर पाओ, श्वेता श्वेतर उपनिषद कहता है अगर इन मंत्रों का भी पाठ नहीं होता तो ये गुरु मंत्र है, लोग गुरु मंत्र बांटते कानों में, आसमान खुले में देता है, ओम का जप करना है, किसका, अगर गलत रास्ते पर निकल गए तो फिर लौट के आना पड़ेगा, और लौट के कहां आएंगे, जहां से यात्रा शुरू हुई वहीं लौट के जाते ना, अगर कोई व्यक्ति यहां आना चाहता था और दूसरी दिशा में चला गया, जब यहां आएगा तो लौट करके फिर यहीं आएगा, गलत यात्रा पर चलते रहे, दूसरे गुरु के परिक्रमा लगाते रहे, किसी अनिष्ट शब्दों का चिंतन करते रहे, तो ये परमपिता परमेश्वर फिर भेजेगा, और भेजेगा तो फिर कहां से यात्रा शुरू होगी 80 साल की, फिर जाकर के मां के गर्भ से चलेंगे। इसलिए गायत्री मंत्र त्रयंबकम का जप करना, और इतना भी न कर पाओ तो ओम का स्मरण करना, और वो परम पिता परमेश्वर हर क्षण देख रहा है, माला के जप की जरूरत नहीं है, ईश्वर ने अपने नाम का स्मरण करने का ठेका नहीं दिया, जितनी बार ले लो उतनी बार कम है। और उससे क्या होगा, पहले ईश्वर को जानो, और ईश्वर के स्वरूप को जानते हुए करना क्या है, एक आपकी तरह हमारी तरह एक राहगीर दोपहर के गर्मी के समय में रास्ते पर निकल गया, चलते चलते जंगल में के बाहर गर्मी धूप बहुत ज्यादा, नगर के पास पहुंचा और देखा कि नगर के बाहर एक बहुत सुंदर किसी का मकान बना हुआ है, ये सज्जन उस घर के बाहर एक छोटा सा वृक्ष है उसके नीचे, गर्मी बहुत ज्यादा है, ये व्यक्ति जाकर के बैठ गया। अब जैसे ही ये व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे बैठा, उस घर के में रहने वाले व्यक्ति ने खिड़की से देखा कि एक सज्जन गर्मी में बहुत ज्यादा धूप में चल करके पहुंचा है, ऊपर खिड़की से जिस व्यक्ति ने देखा पानी पीने का संकेत किया, नीचे वाले व्यक्ति ने देखा तो ऊपर वाला व्यक्ति जो घर में बैठा हुआ पानी की पूछ रहा है, इसने भी नीचे से सर हिला करके स्वीकृति दे दी, दोनों में सहमति बन गई, नीचे वाले को पानी की जरूरत है, वो व्यक्ति अंदर से पानी लेने चला गया। अब ये व्यक्ति बैठा हुआ है, देखा 2-3-5 मिनट हो गए, वो व्यक्ति अभी नहीं आया, अब इसके मन में आया कि जब इसे पानी नहीं पिलाना था तो पूछा क्यों था, मैंने तो नहीं मांगा। अब ये इतना सोच ही रहा था, ये तो बहुत दुष्ट व्यक्ति है,
पानी की कह करके और पानी नहीं लाया है। जैसे यह चिंतन अनिष्ट चिंतन कर ही रहा था कि इतने में दरवाजा खुला और वो व्यक्ति एक हाथ में गिलास और एक में जग लेकर के आ गया। जैसे ही पानी दिया और पानी देते हुए बोला कि भाई साहब थोड़ा विलंब हो गया, मैंने सोचा आप धूप में चल करके आए हैं, पानी क्या पिलाऊं, शिकंजी पिला दूं। जैसे ही इसे पानी दिया, शिकंजी दी, शिकंजी में चीनी नहीं। इसके मस्तिष्क में आया कि जब इसे पिलाना ही नहीं था तो इतना टाइम क्यों लगा दिया। जैसे ये चिंतन कर रहा था, जो व्यक्ति पानी लेकर आया उसने जेब में से चीनी दे दी। कहा कि मैंने सोचा कि आपको कोई शुगर ना हो। इसके मस्तिष्क में फिर से विचार आया कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, हम भी अगले व्यक्ति को, धर्म गुरु को समझने का विचार ही नहीं देते, हम विचार ही नहीं करते। जिसने जैसे कह दिया, हम पहले धर्म का लक्षण क्या है, धृति क्षमा, पहले उसे धारण करो, हम भी धर्म के क्षेत्र में, ईश्वर के क्षेत्र में उसे जाने, उसे धारण करें और उसे धारण करके जीवन में अपनाएं। जैसा धन होगा वैसा मन होगा, जैसा मन होगा वैसा, जैसा अन्न होगा वैसा ही मन बनेगा, जैसा मन होगा वैसे ही विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसे ही कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसे ही आपके आसपास का वातावरण होगा। इसलिए सत्संग में आए उस ईश्वर का धन्यवाद करते हुए हम सब जमानत पर निकले हैं। जो ईश्वर के यहाँ प्रातः और सायं अगर पेशी करते रहेंगे तो ये जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, जमानत जब्त नहीं होगी और अंत में जाकर के ईश्वर के आप पेशी करके और एक उत्तम जन्म को प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आए लोगों का धन्यवाद, समय पूर्वक ओम शांति।